दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की कुछ समस्याओं की, क्या उनके लिए समस्याएं आ रही हैं, उनके जवाब यहां पर अतिथि शिक्षक का जो पोर्टल है GFMS वहां पर अपलोड किए गए हैं। हम देखेंगे उन सवालों के जवाब। इसमें आपके कई सारे सवाल इसमें छुपे हुए हैं और इनके जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोर्टल में लॉगिन की समस्या के लिए किससे बात करनी होगी। तो लॉगिन की समस्या के लिए आपको पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, पोर्टल में पासवर्ड रीसेट लिंक पर क्लिक करें, आप जो है अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। तीसरी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पोर्टल पर अगर आपकी जानकारी सही प्रदर्शित नहीं हो रही है तो क्या कहा गया है। यहाँ पर आंसर में ये कहा गया है कि पोर्टल में जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी है वही प्रदर्शित होगी। मेरे द्वारा अर्जित अन्य योग्यता को स्कोर कार्ड में कैसे शामिल किया जाए। सत्यापन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 20/10/2018 थी। सत्यापन पश्चात किसी भी योग्यता को जोड़ा नहीं जा सकता है। मेरे द्वारा दर्ज योग्यता में गलत प्रविष्ट अंक का संशोधन को स्कोर कार्ड में कैसे शामिल किया जाए। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है कि अतिथि शिक्षक हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा दर्ज परीक्षा के विषय प्राप्तांक पूर्णांक एवं आधार नंबर में संशोधन नजदीकी संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अभिलेख सहित उपस्थित होकर संशोधन करा सकते हैं। संशोधन केवल दर्ज जानकारी में ही होगा, नवीन जानकारी को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्कोर कार्ड की गणना कैसे की जाती है। तो आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड की गणना कुछ इस तरह से की जाती है। प्राथमिक शाला के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। माध्यमिक शाला और हाई स्कूल के लिए आपको स्नातक मिनिमम होना चाहिए और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए स्नातकोत्तर मिनिमम आपको होना चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए 100 अंक दिए जाते हैं। बीएड वालों के लिए 100 अंक दिए जाते हैं। डीएड वालों के लिए भी 100 अंक दिए जाते हैं। डीएड वालों के लिए प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। बीएड वालों के लिए माध्यमिक शाला और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। और न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है उसके परसेंटेज भी आपको यहाँ पर जोड़ के आपका टोटल स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि क्या स्कोर कार्ड विद्यालय के स्तर बार जनरेट होगा। तो आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदक प्रत्येक स्तर PS, MS, HS, HSS का स्कोर कार्ड जारी होगा। स्कोर कार्ड का क्या उपयोग है। तो अतिथि शिक्षक के आवेदन के लिए आपके पास स्कोर कार्ड होना जरूरी है, बिना स्कोर कार्ड के आप अतिथि शिक्षक के लिए पात्र नहीं हैं। और अगला यहाँ पर जो आपके लिए उदाहरण दिया गया है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने जीव विज्ञान में 61% अंक अर्जित किए हैं, स्नातक में उसके 58% है, स्नातकोत्तर में 70% है और बीएड की उपाधि है, तो उसका स्कोर क्या होगा। देखिए प्राथमिक विद्यालय में संविधान शाला शिक्षक वर्ग 3 के लिए उसका स्कोर 161 होगा और डीएड नहीं है तो 100 नंबर ऐड नहीं होंगे। माध्यमिक विद्यालय के लिए उसका स्कोर 158 होगा और हाई स्कूल के लिए 158 और हायर सेकेंडरी के लिए 170 होगा। तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया क्या है। तो आवेदक अपनी इच्छा के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में आवेदन पत्र पोर्टल जनरेटेड स्कोर कार्ड के साथ निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेगा। बिना स्कोर कार्ड के आवेदन मान्य नहीं होगा। स्कूल में प्राप्त आवेदनों में स्कोर के आधार पर स्कूल स्तर पर मेरिट व आधार पर तैयार पैनल के गुणानुक्रम में आवेदकों को अध्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय में चयन की क्या प्रक्रिया है। तो आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल से पंजीकृत सत्यापित आवेदक यहाँ पर लॉगिन करके चॉइस फिलिंग करेंगे जो आपने कर दी है। इसके बाद आपको कितने में अप्लाई कर सकते हैं स्कूलों में, तो वहाँ पर 20 में आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता ही है। तो आपको ये भी पता चल गया है कि आप कौन से स्थान पर हैं। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि स्कूल में कब ज्वाइन करना है। तो आपको स्कूल द्वारा अवगत कराया जाएगा तथा इस संबंध में विस्तृत समय सारणी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो आपको स्कूल के द्वारा अवगत कराया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।